यह जो केंद्र सरकार अधिग्रहण किया है तो पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है, और केंद्र सरकार जो भी चाहे जिस रूप में चाहे उसकी उसकी व्यवस्था कर सकती है और जिसको चाहे उसको दे सकती है, क्योंकि बाकी जितने लोग रहे सबको वह मिल चुका है मुआवजा। ऐसी स्थिति में सरकार यह नहीं समझ में आ रहा कि यह सुप्रीम कोर्ट से उसको मांग कर रही है कि हमको दे दिया जाए, तो यह याचिका किस उद्देश्य से है ये पता नहीं है। लेकिन जो 77.2 पॉइंट 77 एकड़ जमीन जो अधिग्रहण है और 2.77 पॉइंट विवादित है जहाँ पर रामलला विराजमान है, जब तक इसका निस्तारण नहीं होता तब तक तो रामलला का मंदिर नहीं बन पाएगा। तो रामलला के लिए यह संभव है कि इसका कोई लाभ नहीं है। अब किस उद्देश्य से सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट से मांग रही है, जब 77 एकड़ पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश है, वह स्थगन आदेश हट जाएगा, उसके बाद में कोई दूसरी योजना सरकार की होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक 2.77 पॉइंट की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती और रामलला के पक्ष में नहीं होता, इसका स्थगन आदेश नहीं हटता, तब तक के लिए यह कोई भी रामलला के लिए लाभ नहीं है।